ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल तुमने देख के आप समझ ही गए होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में जितने भी बैकग्राउंड पिंजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इजिली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है, आपको गाइस अपनी फोटो को ओपन करना है। एंड गाइस, जो फोटो आप एक साइड में ओपन करोगे गाइस, उसी का आपको एक कटआउट करके रख लेना है। देन गाइस, आपको जाना है ऐसे ऐड फोटो में। एंड गाइस, ऐड फोटो में जाके गाइस, आपको जो आपने जो कटआउट करके रखा अपने मॉडल का गाइस, आपको सिंपली उसको यहाँ पे ऐड करना है। एंड गाइस, जिसको मैंने पहले से ही कटआउट कर रखा है। एंड गाइस, जिसको कटआउट करना नहीं आता, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, आप जाके देख लेना उस वीडियो को। देन गाइस, आपको फिर करना, आपको अपने मॉडल को लेने के बाद गाइस क्या करना है, आपको पहले तो गाइस हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पहले थोड़ा रोटेट करेंगे, ठीक है, ध्यान समझाएंगे फ्लिप रोटेट में। एंड उसके बाद हम थर्ड वाला सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेंगे। एंड उसके बाद फिर क्या करना है आपको गाइस, कुछ स्टेप से आपको इसको जो है यहाँ पे आप रोटेट करके एंड कुछ स्टेप से अपने फेस की तरफ ऐसे रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ से गाइस आपको फिर यहाँ से जाना नीचे, आपको मिलेगा ब्लेंडिंग मोड, आपको जाकर सिंपली इसको स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर करना है, आपको जाना गाइस यहाँ से ओपेसिटी वाला ऑप्शन में, आपको गाइस इसकी ओपेसिटी जो है यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है, कुछ स्टेप से। एंड उसके बाद आपको फिर करना है, यहाँ पे गाइस इतना कर देने के बाद आपको साइज जो है कुछ इतना रख लेना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको सिंपली आपको फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड इसको आपको सिंपली डन कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको जाना अगेन ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना आपको एक पार्टिकल का पीएनजी, ठीक है गाइस, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद आपको फिर करना, आपको जाना है ब्लेंडिंग मोड में, आपको उसको स्क्रीन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको इसको रोटेट करके आपको सिंपली इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, इसको रोटेट करके फिर ऐसे लगाना है, ठीक है गाइस। पार्टिकल्स हैं या दिखना चाहिए, क्योंकि तब कुछ स्टेप्स ऐसे रख देना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको नीचे साइड में जो डन वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको डन कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद आपको जाना अगेन एड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से एक और पीएनजी ऐड करना है आपको विग्नेट का। आपको क्या करना है, आपको गाइस सिंपली यहाँ पे फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स इसको ऐड कर देना है। एंड उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड उसके बाद आपको इसको कर देना है डन, ठीक है गाइस। तो इतना परफेक्ट है। अब गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस अपनी इस फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड गाइस, इसको लेकर चलना है लाइट रूम ऐप में, ठीक है गाइस। तो इसको हम लाइट रूम ऐप में लेके चलते हैं। एंड गाइस, लाइट रूम ऐप में ले जाने के बाद आपको फिर करना, आपको जाना है स्लाइड वाला ऑप्शन में, आपको गाइस इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, ठीक है। एंड उसके बाद जिसका हाईलाइट है आपको उसको कम करना है। एंड उसके बाद आपको जो शेडो दिख रहा है आपको उसको थोड़ा सा कम करना है। एंड उसके बाद इतना करने के बाद आपको जाना है इस वाइट में, आपको इसका जो वाइट है इसको थोड़ा कम करना है। एंड जो ब्लैक है गाइस, इसको भी आपको थोड़ा यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे फोटो की वाइब्रेशन बढ़ाना है, फोटो का जो टेम्परेचर आपको उसको कम करना है। एंड जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर यहाँ पे सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन आपको यहाँ पे माइनस कर लेना है। एंड जो ल्यूमिनस आपको उसको थोड़ा बढ़ा देना है, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे येलो कलर में, आपको इसका सैचुरेशन माइनस करना है। एंड उसका जाना आपको ब्लू कलर में, सॉरी ग्रीन कलर में, आपको उसका भी सैचुरेशन माइनस कर देना है। एंड जाना डार्क ब्लू में, आपको उसका ब्लू अगर आपको फोटो में नहीं चाहिए हो तो आप उसका भी सैचुरेशन माइनस कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना ऐसे नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पर फोटो की क्लियरिटी है जो उसको इंक्रीज करना है। एंड जो इस फोटो में विग्नेट है वो डाल देना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको मिलेगा यहाँ पे ग्रे माउंट, ठीक है। तो भाई मिड टोन को भी आपको कम कर देना है, जो फैदर है इसको आपको थोड़ा सा इसको भी कम कर देना है, ठीक है, पूरा कर देना है इसको ज़्यादा हो सके तो। एंड उसके बाद आपको फिर यहाँ से नीचे ग्रेन माउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे नीचे वाला टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है। एंड जो गाइस यहाँ पे नोट डायरेक्शन दिख रहा है आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिले आपको कलर नोट डायरेक्शन, आपको इसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं जो हमारी फोटो एकदम यहाँ पे कंप्लीट एडिट एंड रीटच सब कुछ हो चुका है। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आपसे भी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।